आपका हाथ तो ठीक हो गया लेकिन लगता आपका दिमाग खराब हो गया। आप भी बाहर हो जाइए। धैर्य सर। दंड स्वरूप देवी पौलमी को एक पखवाड़े तक देवलोक से शक्तिहीन किया जाता है। आपको धरती लोक पर मनुष्यों के भांति जीवन यापन करना होगा। अरे तो बड़ी अजीब लग रही है, क्या टुमक टुमक के चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी नाटक कमरे से भाग के आ रही है। देख देख किसी कपड़े देख। अरे ओ मैडम, तू सुनाई नहीं देता क्या जो बीच रास्ते पे चली जा रही हो। ज्ञात होता है आप सभी लोग विवेकहीन हो गए, तभी तो इस प्रकार विचित्र आचरण कर रहे हैं। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। ओ मैडम ये सब छोड़ो और हटो यहाँ से। समय की कुछ वैल्यू नहीं है क्या? चलो हटो यहाँ से। ये सब क्या है? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। हम तो अच्छे से ही कर रहे हैं, आप ही गंदा कर रहे हैं। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे अब ज़बान लड़ाओ? ठीक है करो काम, लो लो और बिगाड़ दूंगा तुम्हारा काम। लो 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 करो। अरे क्या है ये सब? रोज रोज ड्रामा करना जरूरी है क्या? परेशान हो गया हूं मैं रोज रोज के तमाशे से। तो भैया परेशान है, पर परेशानी क्या होती है आप मुझसे पूछिए। अरे एक गलती क्या कर दी मैंने, उसकी इतनी बड़ी सजा? अरे एक नौकरानी को मेरी बीवी बना के मैं उसे झेल रहा हूं इतने महीने से, और ऊपर से इस घर में कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे। अगर मैंने किसी का कत्ल भी कर दिया होता ना भैया, तो शायद मैं बच जाता। लेकिन मैंने संतोषी की मांग में सिंदूर क्या भर दिया, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, लेकिन उसके बाद भी इस घर में कोई भी नहीं जो मुझे समझ सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम परेशान मत हो, हम कोई रास्ता निकालते हैं। Take it easy. बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम आज यहाँ आई। नहीं अंकल, आप बस कहिए आपको क्या कहना है। बेटी तुम जानती हो कि जब से तुम्हारा और धैर्य का रिश्ता टूटा है वो बहुत परेशान रहता है। जो फैसला ऊपर वाले का था वो उसने स्वीकार नहीं किया। कुछ रिश्ते ऊपर वाला तय करता है और तुम धैर्य की किस्मत में नहीं थी।
इसीलिए बेटी ये परिस्थितियां इतनी उलट पुलट हो गई। लेकिन अब जब संतोषी उसकी पत्नी है तो उसे संतोषी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, हम जानते हैं कि उसने गुस्से में आकर उसकी मांग भर दी, लेकिन अब तो वो उसकी पत्नी है। देखो बेटी, हम उसे समझा समझा कर थक गए, नहीं समझता वो। देखो बेटी, अगर तुम उसे समझाओगी शायद वो समझ जाए। पति पत्नी का रिश्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, लेकिन समझदारी से उसे संभाला जा सकता है। मैं एक बूढ़े बाप की हैसियत से तुमसे विनती करता हूं बेटा, ऐसा कर दो। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर अंकल इतना बोल रहे हैं तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। वैसे देर से बात करूंगी तो मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम्हारा गुस्सा सही है, बट बिलीव मी, डैडी स्टिल लव्स यू। तुम मानो या ना मानो, उसने आज तक उस संतोषी को एक्सेप्ट नहीं किया। एनीवे, मैं भी इस सिचुएशन से पूरी तरह से निकली नहीं हूँ, सो आई थिंक आई शुड मीट हिम वंस। बेटी, हम एक बूढ़े बाप की हैसियत से तुमसे विनती करते हैं, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है अंकल, अगर आप कह रहे हैं तो मैं धैर्य से बात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया प्रताप सर? हाँ संतोषी, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और हम नहीं चाहते कि सबके सामने तमाशा हो, इसलिए। जी कहिए। देखो संतोषी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी इस शादी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहां से चली जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन प्लीज धैर्य की जिंदगी से चली जाओ। हमारी तो जिंदगी धैर्य सर, वो दे सकते हैं। आप कहते हैं तो हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के बगैर कैसे जाएंगे प्रताप सर? जिंदगी के बगैर तो यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी ना। संतोषी, इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा प्रताप है। सही तो कह रही है संतोषी, वो ऐसे कैसे चली जाएगी? गलती धैर्य ने की है तो उसकी सजा संतोषी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो गरीब है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे उसका अधिकार ना दें। लेकिन लेकिन मधु, आप इन झंझटों में मत पड़िए प्रताप, ये घर का मामला है, हम निपट लेंगे। एक तरफ धैर्य के तमाशे, दूसरी तरफ तुम्हारे फैसले, बीच में तो मैं पिसता हूं ना। प्रताप, शादी की रात हमने एक फैसला लिया था कि हम आपके बिजनेस के मामलों में नहीं बोलेंगे और आप घर के मामलों में नहीं पड़ेंगे। ओके ओके, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो फिर। तुम परेशान मत हो संतोषी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कैसा विचित्र पदार्थ हमारे माथे से बह रहा है, हमारा कंठ भी शुष्क हो रहा है, लगता है हमें कोई तरल पदार्थ लेना होगा।
20 रुपए की है। क्या? इसकी कीमत 20 रुपए है, इसे चाहिए तो 20 रुपए देने पड़ेंगे पहले। रुपए? वो क्या होता है? दूसरे लोग से आई हो क्या, जो पैसा नहीं जानती? हम देव लोग से आए। तो ठीक है देवी जी, आप अपने लोग में जाइए, यहाँ क्यों समय खराब कर रही हैं? ठीक है, अब हम प्रस्थान करते, तुम्हारा कल्याण। लगता है आजकल फिल्मों का असर ज्यादा हो रहा है, मुझे तो देखने से किसी नौटंकी कंपनी से भागी हुई लगती है। और बोलती है पैसा क्या होता है? आजकल के जमाने का कोई भरोसा नहीं, ये बदलते दौर में कब दिमाग खराब हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे यहाँ 80 रुपया सब्जी प्लेट है, शायद आपने जरूर पिछला रेट ले किया होगा। हम लालची हूँ, आपको खाना हो तो इसी रेट में खाइए, वरना आप जा सकते हैं। नहीं खाने। जाइए तो फिर। ये मनुष्य हमारा अनुयायी लग रहा है, जिसके मन में लालच, इसे देखकर हमारा मन प्रसन्न हुआ। जब इसे ज्ञात होगा कि हम इसकी देवी, तो ये हमसे मुद्रा की मांग नहीं करेगा। हाँ मैडम, क्या चाहिए? हमारा आंकलन सही था, इन्होंने बिना मुद्रा के ही हमें ये जल दे दिया। अरे मैडम जल्दी बोलिए क्या चाहिए। तुम्हारे यहाँ जो भी सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन है वो ले आओ हमारे लिए। मतलब व्रत वाला खाना खाना है? धरती लोक पर हमारे प्रताप का विस्तार हो रहा है। आज हम अपने एक भक्त के यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात वो भक्त प्रसन्न होगा और हमारी आराधना करेगा। इसी प्रकार हमारे और भक्त बनेंगे और एक दिन हमारा भी मंदिर होगा। नारायण नारायण। माते, अब देवी पौलमी को ज्ञात होगा कि मनुष्यों का जीवन कितना कठिन कितना दुखदायी होता है। नारायण नारायण। देवऋषि, हमें इस बात से आनंदित नहीं होना चाहिए कि देवी पौलमी को दुख प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए हर्ष की बात तब होगी जब देवी पौलमी धरती लोक से सकारात्मकता प्राप्त करके लौटेंगी। देवऋषि, हम चाहते हैं इस कार्य में आप देवी पौलमी की सहायता करें। नारायण नारायण। जैसे आपकी आज्ञा माते। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन और ये पाक से तो अत्यधिक सुंदर है। मैडम ये रहा आपका बिल, टोटल 280 रुपए। अर्थात? मैडम आपने टोटल 280 रुपए का खाना खाया है। तुम हमारे भक्त होकर हमसे मूल्य लोगे? तुम्हारे स्वामी का है, बुलाओ उन्हें, हमें उनसे बात करनी। मैडम वो यहाँ क्यों आएंगे, आपको बात करना है तब खुद वहाँ चले जाइए। राम चाचा, हमें 1.5 किलो दही चाहिए। 1.5 किलो दही देना भाई। बस तुम्हारी प्रतिभा देखकर हम खूब प्रसन्न हुए। ठीक इसी प्रकार झूठ चोरी और लालच की भावना अपने मन में विकसित करो। चाहे तो तुम हमारी साधना भी कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे बहन जी, आप आशीर्वाद दे रही है श्राप दे रही है? अवश्य आशीर्वाद ही दे रही हूँ वत्स, तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम कौन है। हम ईर्षा की देवी, देवी पौलमी। ईर्षा की देवी? अरे आप अगर ईर्षा की देवी है तो हम तो हिमालय का राजा हूँ। अच्छा मजाक था बहन जी, एप्रिल फूल तो चले गया,
अब बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। छोटू, इनका बिल कितना हुआ भाई? सेठ जी, 280 रुपए हुए हैं। 280? बहन जी, जरा छुट्टा दीजिएगा, बहुत दिक्कत होती है। तुम हमारे भक्त होकर हमसे मुद्रा कैसे ले सकते हो? अरे कौन भक्त, कैसी अजीब औरत है, खुद तो बेईमानी कर रही है और हमें भी बेईमानी का पाठ पढ़ा रही हो। सेठ जी, इन्होंने खाना खा लिया है, अब जानबूझकर पैसे नहीं दे रही है। बहन जी, पैसे निकालिए चुपचाप। किंतु तुम हमसे मुद्रा ले कैसे सकते हो? अरे खाना खाया है तो पैसे नहीं लूंगा क्या? अगर आपने पैसे नहीं निकाले तो आपको बर्तन घिसने पड़ेंगे, पूरी रात बर्तन मांजोगी तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी। हमारे पास तो मुद्रा है ही नहीं। चलो बर्तन मांजो। श्याम चाचा, इनसे पैसे मत लो, ये संतोषी दीदी की सहेली है, मैं उनसे कह दूंगा, वो आकर आपको पैसे दे देगी। ठीक है टीनू बेटा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, संतोषी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। जाइए बहन जी, पर आगे से ऐसे ढाबे में कहीं घुस मत जाना, इस बार तो आपको मदद मिल गई, अगली बार नहीं मिलेगी। लो तिल्लू। दूसरे ढाबे पे देखिए आप। किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है, लेकिन ऐसे कपड़े तो रामलीला वाले भगवान जी पहनते हैं, और आप इन कपड़ों में थोड़ी देर और घूमेंगे तो सब लोग आप पर हमारी तरह हंसने लगेंगे, इसलिए आप अपने घर जाइए और माँ से कहना कि आपको दूसरे कपड़े पहनना है। अलक निरंजन। प्रणाम देवी पौलमी। अब आपको ज्ञात होगा देवी पौलमी, मनुष्य का जीवन कितना कठिन, कितना संघर्षपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। हम देवी देवताओं की भांति उन्हें कोई भी वस्तु सरलता से प्राप्त नहीं हो जाती, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी उन्हें धन अर्जित करना पड़ता है। परंतु देवी पौलमी, आप तो स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी हैं, देवराज इंद्र की पत्नी, अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा कार्य उचित होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए देवी पौलमी। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अर्थात अब हमें भी धन अर्जित करना पड़ेगा। सुनिए, क्या यह कोई कार्य करने के लिए किसी महिला की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता तो है, लेकिन एक मेहनती महिला की आवश्यकता है, किसी नाटक नौटंकी वाली की नहीं। आपके इन कपड़ों से तो ऐसा महसूस होता है कि आप काम वाली कम और नाटक वाली ज्यादा लग रही हो। ये वस्त्र हमारा वेशभूषा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, हम कार्य कर लें। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, काम ढंग से होना चाहिए। जी। जो काम तुम्हें समझाया गया उसको ठीक से कर लेना, ठीक है? आइए। इस बोरी में चावल है, मेरे आने तक जरा इसे अच्छे से साफ कर देना, प्रति किलो 1 रुपया मिलेगा। जिसके कारणवश देवराज इंद्र की पत्नी का ये हश्र हुआ है, उन्हें एक साधारण श्रमिक बनना पड़ रहा है, हम उसे उचित समय आने पर दंड देंगे, इतनी सरलता से वो नहीं बच सकती। Thank you.
माते देखिए देवी पौलमी अपने किए का फल किस तरह भोग रही है। हमें तो ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माते क्या हुआ, आप प्रसन्न नहीं लग रहे? गौ माता, हमें इस प्रकार किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देवी पौलमी ने मर्यादा तोड़ी है, अनुचित कार्य किया है, इसलिए वो इसका दंड भोग रही है। इस प्रकार देवी पौलमी का उपहास कर आपको भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। क्षमा कर दीजिए माते। देवी संतोषी सत्य कह रही है। आज मनुष्य के लिए मुद्रा अर्थात देवी लक्ष्मी से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। देवी पौलमी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें देवी लक्ष्मी की आवश्यकता होगी, या उन्हें ये मुद्राएं प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। विधि का विधान यही है देवी।